أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों कैसे हो? क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट पीछे उर्दू टॉपिक कैसे हो? इस पर सिद्ध महादेव पेज नंबर 46। कहा जाता है कि इस मुकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत सिद्धायत के नाम पर सिद्ध महादेव पड़ा, जो अपने पिछले जन्म में असुर था। एक दिन वो अपनी असली रूप में भगवान शिव और देवी उमा के दर्शनों के लिए यहाँ आया। इस भयानक शक्ल व सूरत वाले असुर को देखकर देवी उमा की चीख निकल गई। सिद्ध महा समाधि में बैठे शिव जी ने जब ये चीख सुनी तो अपना त्रिशूल सिद्धायत पर दे मारा। त्रिशूल का ये वार इसके लिए मोहलिक साबित हुआ। आखिरी सांसें लेते हुए यह भगत भगवान का नाम जपने लगा। यह सुनकर भगवान शिव को नहायत अफसोस हुआ। वो समाधि छोड़कर इसके पास आए और उससे दोबारा जिंदगी का वरदान देने की पेशकश की। सिद्धार्थ ने प्रार्थना की कि ऐ भगवान, मुझे मरने दीजिए ताकि मैं आपके हाथों मृत्युओं पाकर मुक्ति प्राप्त कर सकूं। उसने प्रार्थना सुनकर भगवान शिव खुश हुए और उससे वरदान दिया कि वो जीवन मरण के चक्र से निजात पाएगा और इसका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाएगा। इस तरह इस मुकाम का नाम सिद्ध महादेव पड़ा। प्यारे बच्चों आज पढ़ो इस गुबरे यूतुहन तो इंशाल्लाह सुबह पढ़ो इस बे। अल्लाह हाफिज़।